हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक को देखा था, और इस टॉपिक के अंदर पहले क्लास के अंदर हमने कुछ फ्रैक्शंस लिखे थे, उनको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको बताया था। इससे बाद हमने एक लेक्चर लिया जिसमें हमने क्वेश्चंस किया था, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन लेंगे, और ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने उसको डाला है, तो इसके अंदर हमारे पास ईयर दे रखे हैं 2010, 11, 12, 13, और एक ही वैल्यूज हैं 50, 70, 80, 100 इन सभी ईयर्स में। उसी तरह से बी की कुछ वैल्यूज हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये ऑलमोस्ट सेम है, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले इसमें से नोट करके, और जो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसको सॉल्व करने की कोशिश अपने आप खुद करिएगा, देन इसके जो सॉल्यूशन है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हम लेते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम बी। ओके, इसको हम करते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ वैल्यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन 2011। ये अभी क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने, तो ये आप कोई से भी क्वेश्चन अपने आप फ्रेम कर सकते हैं किसी भी चीज को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमें बताना है कि कितने परसेंट वैल्यू ए की ज्यादा है बी से इन टर्म ऑफ परसेंटेज इन ईयर 2011। ओके स्टूडेंट, ये हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी इन 2011। ओके, नाउ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ए की वैल्यू 2011 में है 70 और बी की वैल्यू है 50। ओके स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू 70 है, बी की वैल्यू 50 है। अब हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज। अब हम क्या करते हैं, अब कितनी वैल्यू ज्यादा है, 70 माइनस 50 डिवाइड बाय 50, क्योंकि हम बी से कंपेयर कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 20/50 अगेन विच इज इक्वल्स टू 2/5। अब 2/5 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2/5 की वैल्यू के लिए हमें 1/5 पता होना चाहिए, हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो 1/5 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, 1/5 की वैल्यू थी हमारे पास 20% थी। अब 1/5 से 2/5 बनाना है हमको, 1/5 से 2/5 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज इक्वल्स टू 40%। तो 2/5 इज इक्वल्स टू हो गया 40%, यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 40% ज्यादा है इन ईयर 2011, ठीक है। तो ये बहुत इजी मेथड है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं धीरे धीरे आपके और क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है हम बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको फिर से बताता हूं। हमें बताना है व्हाट इज द, मैंने क्वेश्चन पूरा फ्रेम नहीं किया, बस आपको लिख दिया स्टेटमेंट, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ वैल्यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन ईयर 2011। ओके, सेम ही क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, एक नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ऐसा करते हैं, 2010 को लेते हैं, और इसमें बी की वैल्यू ए की वैल्यू से ज्यादा है, तो अब हम बताते हैं कि बी की वैल्यू ए की वैल्यू से कितने परसेंट ज्यादा है, ये निकाल के हम करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, और स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो परसेंट इंक्रीज ऑफ वैल्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन ईयर 2010। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 2010 में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 80। ओके, ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 80। अब हमें बताना है कितने परसेंट बी की वैल्यू ए की वैल्यू से ज्यादा है, तो आप कंपेयर किससे करेंगे, ए से करेंगे। किसको करना है, बी को करना है, और बी की वैल्यू आपको कितने परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 80 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 विच इज फर्दर इक्वल्स टू 30/50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 3/5।
अब देखिए अभी 1/5 करा था, 1/5 हमने निकाला था 20% फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, तो 1/5 से 3/5 करना है तो क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई विच इज इक्वल्स टू 60%। तो आप करके देख लीजिएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 20%। अब देखिए हर स्टेटमेंट को मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में करना है इसको। तो 1/5 से 3/5 बनाना है तो 3 की मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन यहां भी होगा विच इज फर्दर इक्वल्स टू 60% आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 60%। ओके स्टूडेंट, तो बहुत इजी मेथड है, आप कभी भी कैसे भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया था, तो चलिए इस बार भी हम एवरेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, आप जरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको अब रब करते हैं, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्या करते हैं, हम ए का एवरेज निकालते हैं कि ए का एवरेज क्या हो, सेम मेथड से जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, चारों ईयर को लेकर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए, ये हमें निकालना है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू है 50, 70, 80, 100। अब एक तरीका तो यह है, चारों को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि यहां पर आपकी 4 वैल्यू है। हम क्या करते हैं, किसी चीज को, एक को एवरेज मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, 50, 70, 80, हम इसको एवरेज मान लेते हैं। सपोज दैट, लेट अज्यूम कर लेते हैं हमारा एवरेज जो है, हमारा एवरेज जो है वो 70 है। ठीक है, अब बी की वैल्यू, अब देखो, अब इसको लेते हैं, ये एवरेज से कितना कम है, 20 कम है, -20 कम है, तो -20। ये एवरेज के एकदम, जो एवरेज हमने माना एकदम बराबर है, तो +0। ये एवरेज से 10 ज्यादा है, तो +10। और ये एवरेज से 30 ज्यादा है, तो +30 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 40। 40 में से 20 जाएगा 20 फर्दर डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए आपकी वैल्यू, एवरेज की वैल्यू 5 इंक्रीज हो गई, तो जो हमारा रियल एवरेज है वो आ जाएगा हमारा 70 + 5 = 75। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो ए का एवरेज आया है वो वैल्यू आई है हमारे पास 75। तो कितना इजी मेथड था। अब चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, बी का भी एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं कि बी का एवरेज हमारा क्या है। ठीक है, तो आपके सामने ये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको रब कर देते हैं। अब देखिए सपोज करते हैं हमारा, हम किसी एक को एवरेज मान लेते हैं। चलिए इस बार इसको माना था, इस बार इसको मान लेते हैं, फिर से यहां पर थर्ड वैल्यू मान लेते हैं, तो इसका भी 70 मान के देख लेते हैं क्योंकि एक वैल्यू 70 है। तो देखिए ये वैल्यू, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे एवरेज से कितना ज्यादा है, ये हमारे एवरेज से 10 ज्यादा है, तो 10। ये हमारे एवरेज से 20 कम है, तो -20। ये हमारे एवरेज के एकदम इक्वल है, +0। और ये हमारे एवरेज से 20 ज्यादा है, ओके? तो एवरेज से 10 ज्यादा था, एवरेज से 20 कम था, एवरेज इक्वल था और एकदम ज्यादा था। तो अब देखते हैं इसमें, ये 20, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास आ जाएगा 10, और 10 यानी हमारे पास 2.5 हमारे पास ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, ओके? तो ये 2.5 ज्यादा वैल्यू है, प्लस में वैल्यू है, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो आएगा 70 + 2.5, यानी जो वैल्यू ज्यादा आई है, कितनी ज्यादा आई, 2.5, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 72.5। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके सामने, 4 क्वेश्चन थे, बहुत इजी मैथ क्वेश्चन थे जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ऑलमोस्ट सेम थे, बस मैंने आपके लिए एक और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए डाल दिया एक सेट। अब देखिए इसमें हम धीरे धीरे इसके
जो लेवल है क्वेश्चंस के वो आपके सामने इंक्रीज करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन को कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। तो हमारे पास चार क्वेश्चन किए थे, हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसा करते हैं, ये वाला लेते हैं। आप ये बताते हैं कि ईयर 2010 में अभी हमने पढ़ा था कि बी की वैल्यू ए की वैल्यू से कितने परसेंट ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं इसको रिवर्स ले लेते हैं कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से कितने परसेंट कम है। चलो ये ऐसा ये क्वेश्चन करते हैं इस तरह से कि परसेंटेज डिक्रीज ऑफ वैल्यू ए ऑफ वैल्यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन 2010। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ईयर 2010 में ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 80। अब आप किसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, इससे कर सॉरी कंपेयर इसको कर रहे हैं इससे करना है। अब कितनी वैल्यू कम है देखते हैं। तो 50 माइनस 80 डिवाइड बाय 80, ये आ जाएगा माइनस 30 डिवाइड बाय 80। अब माइनस इसलिए कि वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो हम क्या करते हैं इस वैल्यू को ऑलमोस्ट डिक्रीज है, तो हमें चाहे तो हम माइनस साइन को हटा सकते हैं, हमारी वैल्यू डिक्रीज हो, आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसको करेंगे तो आप जाएगा माइनस 3/8। अब देखिए 3/8 है, कैसे निकालेंगे, 1/8 पढ़ा था हमने पहले लेक्चर में, 1/8 कितना होता है, 1/8 हमने पढ़ा था 12.5। 1/8 से 3/8 बनाना है, क्या करना है, 1/8 से 3/8 आराम से बन सकता है, आपको 3 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/8, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 37.5%। ये यहां पे माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, बट माइनस का साइन आएगा तो हमने वैल्यू डिक्रीज निकाली, तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि ये आंसर जो माइनस में है वो हमारा जो है वो डिक्रीज में है। तो आप चाहे तो माइनस लिख सकते हैं, अदरवाइज भी आपको ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तो यानी ये जो आंसर है हमारा 37.5 जो परसेंट जो आया है ये डिक्रीज में इसका आंसर आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी वैल्यू हमारी 37.5% कम है ए की वैल्यू बी की वैल्यू से। तो देखिए स्टूडेंट, इसको लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस किए एक ही डेटा के ऊपर थे। आगे के वीडियो में, आगे के लेक्चर्स में और मैं आपके सामने नए नए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा डेटा इंटरप्रिटेशन के, और साथ में मैं इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और डिफरेंट डिफरेंट और भी काफी आप लोगों के सामने क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। हाँ, और भी बहुत लोगों का सजेशन आया है कि सर डिफरेंट डिफरेंट और भी वीडियोस बनाइए, मैं आपके सामने और भी बहुत वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप यूट्यूब में जो कमेंट में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको फ्री भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे मेल करके लिख सकते हैं। मेरा आपको जो मेल है sandeep.com@gmail.com है, और नहीं तो मैं उसको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब के उसमें आपको लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।